फ्रेंड्स, वेलकम टू गैजेट टूर। आज मैं आपको कुछ ऐसे आपकी छोटी छोटी गलतियों के बारे में, आपकी छोटी छोटी कॉमन सी मिस्टेकों के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जो आप अपने स्मार्टफोन के साथ दोहराते रहते हैं, करते रहते हैं। ये इन छोटी छोटी गलतियों के वजह से हमारे स्मार्टफोन जल्दी ख़राब हो जाते, जिससे यूज़र्स को परेशान होना पड़ता है। हम ऐसे कॉमन मिस्टेक बता रहे हैं जिस पे आपका ध्यान रहता तो आपका फ़ोन जल्दी ख़राब न होता। ज़्यादातर फ़ोन यूज़र्स की छोटी छोटी गलतियों से ख़राब हो जाते हैं। हम आपको कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अक्सर जाने अनजाने में यूज़र्स करते हैं, फिर उसका सारा असर स्मार्टफोन पर पड़ता है। आज मैं वैसे ही आपको 6 कॉमन ऐसे मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो आप रेगुलरली दोहराते होंगे या करते होंगे। ऐसी कॉमन सी मिस्टेक्स आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, डैशबोर्ड पर फ़ोन रख देना। कार का डैशबोर्ड जो होता है ना, अक्सर वो गर्म होता है, जिससे फ़ोन की बैटरी कैपेसिटी कम हो जाती है। इसलिए फ़ोन को डैशबोर्ड पर न रखें, क्योंकि फ़ोन की जो डैशबोर्ड होता है वो कार रेगुलरली ड्राइव होने से, चलने से वो गर्म हो जाती है। इंजन का कंजम्पशन होने की वजह से वो डैशबोर्ड हमेशा गर्म रहता है। तो उस पर अगर आप अपना फ़ोन रख देते हैं तो आपका फ़ोन बेमतलब ही गर्म होते रहता है, क्योंकि डैशबोर्ड गर्म है तो उससे बैटरी को असर गिरता है, तो बैटरी जल्दी ख़राब हो सकती है और आपका फ़ोन भी जल्दी ख़राब हो सकता है। तो ये छोटी सी कॉमन सी मिस्टेक से बचे अगर आप ड्राइवर है या ड्राइवरी करते हैं या कहीं ज़्यादातर ट्रैवलिंग करते रहते हैं, तो ये छोटे छोटे कॉमन सी मिस्टेकों से बचे। मेटल कवर का उपयोग। मेटल कवर की वजह से फ़ोन का एंटीना बैंड सही तरह से काम नहीं करता। कवर लगाते समय देख ले कि उसमें मेटल का उपयोग तो नहीं हुआ हो। तो अगर आप कवर लगाते हैं अपने फ़ोन को प्रोटेक्ट करने के लिए, बहुत से यूज़र्स करते हैं वो फ़ोन के पीछे आप कवर लगा देते हैं पर ये नहीं देखते कि वो कवर कौन सा है। अगर आपका कवर मेटल का हो तो उसे न लगाए, उससे एंटीना मतलब नेटवर्क कनेक्शन में प्रॉब्लम होती है और आपका फ़ोन हीटिंग करना शुरू कर देता है। तो ऐसे कॉमन से मिस्टेकों से बचें। थर्ड कॉमन मिस्टेक है डुप्लीकेट ईयरफोन का यूज़। किसी दूसरे ईयरफोन के उपयोग से भी बचें, क्योंकि किसी का पिन ढीला होता है तो किसी का छोटा, इससे फ़ोन का स्लॉट भी ख़राब होता है। तो अगर आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं या कहीं घूमने जा रहे हैं तो दूसरे का ईयरफोन न यूज़ करें, अपने घर में भी दूसरे का ईयरफोन न यूज़ करें। जो स्मार्टफोन आपके पास है उसका ओरिजिनल ही ईयरफोन यूज़ करें, वो उसमें ही सूट होगा और आपको क्लियर साउंड क्वालिटी भी मिलेगी। तो दूसरे ईयरफोन को यूज़ करने को अवॉइड करें। ये कॉमन सी मिस्टेक है, सब लोग दोहराते रहते हैं, तो ये कॉमन सी मिस्टेक ना दोहराएं। फोर्थ कॉमन मिस्टेक है डुप्लीकेट चार्जर का यूज़। ये तो शायद ही बहुत बहुत लोग करते हैं, इंडिया में तो ये शायद ही पॉपुलर है कि डुप्लीकेट चार्जर का यूज़। अक्सर लोग किसी भी चार्जर को अपने फ़ोन से कनेक्ट कर देते हैं, नकली चार्जर फ़ोन को ख़राब कर देता है। अगर आपका ओरिजिनल चार्जर मिसप्लेस हो गया है, ख़राब हो गया है, तो आप कोई भी सस्ता सा चार्जर लेके आ जाते हैं और लगा देते हैं, या किसी और का चार्जर उससे कनेक्ट कर लेते हैं, इससे फ़ोन को प्रॉब्लम होती है, चार्जिंग पॉइंट पर प्रॉब्लम होती है, फ़ोन के बैटरी को प्रॉब्लम होती है, कनेक्शन लो ज़्यादा होता है, किसी का पावर ज़्यादा होता है, तो उससे मोबाइल को प्रॉब्लम होती है। तो किसी डुप्लीकेट चार्जर का यूज़ न करें और अपना ओरिजिनल चार्जर ही यूज़ करें। फिफ्थ मिस्टेक है रात भर चार्जिंग पर फ़ोन रख देना, स्मार्टफोन रख देना। कुछ फ़ोन ये ऑप्शन होता है कि फुल चार्जिंग होते ही चार्जिंग बंद हो जाती है, लेकिन हमारे यहाँ पावर हमेशा एक समान नहीं रहता। रात भर फ़ोन को चार्जिंग में न लगाने से बचें, क्योंकि आप लोग फ़ोन को चार्जिंग पर लगा देते हैं, वो कुछ देर में चार्ज हो जाता है, पर वो फुल चार्ज हो जाने के बावजूद कंटिन्यू चार्जिंग पर पॉइंट पर लगा रहता है, तो कंटिन्यू बैटरी को पावर देता रहता है। तो क्या होता है, कभी कभी शॉर्ट सर्किट हो सकता है, आपका फ़ोन की बैटरी ब्लास्ट हो सकती है, आपका फ़ोन ब्लास्ट हो सकता है। तो ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो बहुत लोग अभी भी करते हैं, तो ऐसा ना करें। मैंने बताया है जैसे आपको इसके पहले कि डुप्लीकेट चार्जर का यूज़ ना करें और रात भर चार्जिंग
आपको फ़ोन स्मार्टफोन को चार्जिंग पर न लगा के रखें तो उससे आपका फ़ोन ब्लास्ट भी हो सकता है, तो ऐसे कॉमन सी मिस्टेक से बचें। लास्ट मिस्टेक है, कहीं से भी ऐप इंस्टॉल न करें, कोई भी साइट पर जाके कोई भी ऐप इंस्टॉल न करें, एंड्रॉयड फ़ोन में कहीं से भी ऐप इंस्टॉल न करें, इसमें वायरस आने का खतरा होता है। मैंने जैसे कि अपने इसके पहले के वीडियो में आपको बताया था कि ऐसे 6 वायरस एडिक्टेड ऐप्स हैं, तो वैसे ही कहीं से भी अगर आप अपना ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं तो वो न करें। सर्टिफाइड जगहों से ही, गूगल से ही, अच्छे जगह से, अच्छी साइट से इंस्टॉल करें, कहीं और से ना करें। तो देखा आपने, मैंने आपको 6 ऐसे कॉमन मिस्टेक बता दिए जो हम हमेशा करते रहते हैं, आप हमेशा करते रहते हैं। सो ऐसे कॉमन से मिस्टेक को अवॉइड करें और अपने स्मार्टफोन की लाइफ बढ़ाएं। अगर ऐसे ही कॉमन मिस्टेक करते रहे तो आपका स्मार्टफोन चाहे कितना भी प्राइस, हायर प्राइस का भी हो या आईफोन भी हो, तो भी वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो ऐसे कॉमन से मिस्टेकों से बचें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गैजेट टूर, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द गैजेट टूर। थैंक यू।